गुड आफ्टरनून स्टूडेंट, आप पढ़ रहे हैं इसमें राज्यसभा। किसके बारे में पढ़ेंगे आज हम? राज्यसभा के बारे में बहुत अच्छे तरीके से क्या करेंगे, पढ़ेंगे। इसके साथ ही हम राज्यसभा को मानेंगे, समझेंगे, अच्छे से देखेंगे, ठीक है। और सबसे बड़ी बात है कि राज्यसभा में क्या कहते हैं इसको, ऊपरी सदन या उच्च सदन, क्या होता है ये? उच्च सदन होता है हमारा राज्यसभा। क्या होता है? एक उच्च सदन के रूप में क्या होता है, देखा जाता है, ठीक है स्टूडेंट। तो हमें क्या करना है, आज हमें राज्यसभा के बारे में पढ़ना है। तो इसके साथ आप लोग तैयार हो जाइए कि राज्यसभा के बारे में पढ़ने के लिए। सबसे बड़ी बात, सदस्य। राज्यसभा में वर्तमान में कितने सदस्य हैं? इसमें 245 क्या हैं, सदस्य। कितने क्या हैं? 245 क्या हैं, सदस्य हैं, जिसमें से 12 राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत, ठीक है। जब से 12 सदस्य क्या होते हैं, राष्ट्रपति द्वारा क्या होते हैं, मनोनीत होते हैं। कभी सोचा है 12 क्यों है? सोचा? क्योंकि इसमें क्या होता है, जो क्षेत्र होते हैं, राष्ट्रपति को 6 क्षेत्र दिए गए हैं, जिस क्षेत्र में वो क्या करता है, लोगों को बुला सकता है, ठीक है। तो उसमें क्या, 6 क्षेत्र दिए गए हैं, तो उसमें से वो दो दो सदस्य बुलाएगा, तो कितने हो गए, 12 हो गए ना टोटल। वो जो 6 क्षेत्र हैं, शांति का क्षेत्र, संगीत का क्षेत्र, राष्ट्र का मतलब आर्मी वगैरह, राष्ट्र का क्षेत्र, ठीक है, और क्या बोलते हैं, डॉक्टर्स, इंजीनियर, और एक और है संवादवादी, या लेखक भी बोल सकते हैं, संवादवादी, रिपोर्टर भी हैं उसमें, मतलब बहुत चीज़ें क्या होती हैं, आ जाती हैं। तो ये 6 क्षेत्र हैं जिसके आधार पर क्या करता है, राष्ट्रपति इन सदस्यों को क्या करता है, मानित करता है, और अपने विवेक का क्या करता है, उपयोग करके इन सदस्यों को लाता है। और इसमें प्रधानमंत्री का भी थोड़ा सपोर्ट होता है कि हाँ सर थोड़ा इनको भी बुला लीजिए, हमें राज्यसभा में इनकी भी क्या है, ज़रूरत है। तो राष्ट्रपति उसको मानने के लिए वो नहीं है बाध्य कि हाँ आपने बोला तो हम मानेंगे, मगर वो इस चीज़ को क्या कर देता है, ठीक है, मतलब ज़्यादातर राष्ट्रपति क्या करते हैं, ठीक है हम उनको बुला लेते हैं। और इसका कार्यकाल कितना रहता है, इसका वैसे तो कार्यकाल राज्यसभा कितना रहता है, 6 वर्ष। क्या रहता है इनका कार्यकाल, किसका, राज्यसभा कितना, 6 वर्ष क्या रहता है, कार्यकाल रहता है। और इसमें एक तिहाई सदस्य क्या होते हैं, एक तिहाई सदस्य 2 साल में सेवा निवृत्त होते हैं, मतलब कि क्या होते हैं, 1 साल में क्या होते हैं, सेवा निवृत्त होते रहते हैं, मतलब 2 साल में चेंज होते रहते हैं, एक तिहाई सदस्य, मतलब हर साल क्या होते हैं, जैसे कि 245 का एक तिहाई कितना हुआ, इसमें 3 से भाग दीजिए, 3 × 3 = 24, मतलब 81 या 82 मान लीजिए, तो 80 81 सदस्य क्या होते हैं, इसमें हर साल क्या होते हैं, 2-2 साल में बदलते रहते हैं, मतलब इसमें चुनाव चलता है, मतलब ये आप समझ सकते हो कि ये सदन कभी भी क्या नहीं होगा, भंग नहीं होगा, या कभी भी इसके सदस्य क्या नहीं होंगे, कम नहीं होंगे, मतलब हर साल 2 साल में क्या होता है, ये चेंज होते हैं। जैसे किसी का 2 साल आज कार्यकाल पूरा हो गया, 2 साल का किसी का कल हो गया, परसों हो गया, किसी का 2 महीने बाद, किसी का 2 महीने पहले, इस टाइप से क्या होता है, इसमें सदस्य क्या होते हैं, बदलते रहते हैं। राज्यसभा में क्या होते हैं, सदस्य बदलते रहते हैं। और इसके साथ ही आप लोग को इनकी क्या बताते हैं, पात्रता, कि पात्रता क्या होना चाहिए इनमें। सबसे पहली बात, मैं भारत का क्या हूँ, नागरिक हूँ, भारत का नागरिक। अब एक बात आप बहुत ध्यान से पढ़ना है इसमें, ये वाले पात्रता में, भारत का नागरिक भले ही चाहे कैसा भी हो, भारत का सिर्फ क्या हो, नागरिक हो, और 30 वर्ष की आयु पूरी कर चुका है, या 30 वर्ष का हो, या 30 वर्ष की आयु क्या कर चुका, पूरी कर चुका, 30 वर्ष से ज़्यादा हो, मतलब 30 वर्ष की आयु से ऊपर हो या 30 ही साल का हो, कोई दिक्कत नहीं है, और पागल व दिवालिया ना हो, जी आपने पढ़ा होगा, पागल व दिवालिया ना हो, और किसी लाभ के पद पर ना हो। देखना, हम आपको बताते लाभ का पद पर ना,
जैसे कि आप सरकारी सेवा कर रहे हैं, ठीक है, पुलिस में हो, कोई भी सरकारी मतलब सरकारी नौकरी हो आपके पास, तो आप क्या कर रहे हो, आप किस पद पर हो, लाभ के पद पर हो, ठीक है। और अगर आप नेता हो तो आप जनता की सेवा कर रहे हैं मगर आप लाभ के पद पर नहीं कहलाओगे, समझे। इसमें ये चीज़ है, प्राइवेट जॉब कर रहे हो कोई प्रॉब्लम नहीं है, सरकारी जॉब नहीं होनी चाहिए। मतलब चुनाव लड़ने के लिए आपको सरकारी जॉब नहीं होनी चाहिए मगर नेता बनने के, नेता बन जाओगे उसके बाद आप सरकारी नौकरी लगा सकते हो, मतलब नौकर तो हो आप सरकार के, ठीक है, मगर सरकार के अगर नौकर हो तो आप राजा की पदवी बनी जा सकते हो। मतलब कि जैसे कि आप किसी राज्य में सेनापति हैं या सैनिक हैं, ठीक है, तो सैनिक राजा बनेगा कभी? इम्पॉसिबल। इसी टाइप से ये सोचते हैं कि वो सैनिक ना हो आप हमारे यहाँ, आप हमारे प्राइवेट जॉब करो, कोई भी कुछ भी करो, सैनिक नहीं हो, हमारे सरकारी वेतन या हमारे पैसों पे मत पलो, आप किसी और के पैसों पे पलो, या खुद बॉस हो या खुद इंडस्ट्री के बहुत बड़े मालिक हो तो आप चुनाव लड़ सकते हो, या प्राइवेट जॉब करो सरकारी पद पे ना हो, तभी सरकारी पद पे ना होने का मांगता है इसमें, ठीक है। कि मतलब कि एक तरीके से ये होता था कि आप जिस पद पर आप हो उस पद पे होते हुए आप अपनी सरकार, मतलब जिस सरकार के प्रति क्या कर रहे हो, एक तरीके से विरोधाभास की भावना रखते हो कि आप चाहते हो कि सरकार ये सही से नहीं चले, मतलब ये विरोध के रूप में एक देखा जाता है जिसके लिए इस चीज़ को डाला गया, किसको, लाभ के पद को। जैसे कि आपको बता दें थोड़ा सा और अच्छे से, जैसे कि आप कोई कंपनी है, ठीक है, कंपनी में जो CEO होते हैं, MD होते हैं, वो बहुत बड़े पद पर होते हैं। अब जो वर्कर होता है तो वर्कर और CEO या MD के पद पर कैसे जाएगा, काम करेगा तब वो जाएगा, पर सरकारी नौकरी में ऐसा नहीं होता। आप सरकारी नौकरी में क्या होता है कि आप काम करोगे एक दिन रिटायरमेंट होके घर बैठ जाओगे, मतलब सरकारी पेंशन पर खाओगे, जैसे कि, ठीक है, सरकारी पेंशन पर खाओगे। मगर आप जैसे किसी कंपनी के MD एसटो या एम्प्लॉयर हो तो आप CEO के पद तक जा सकते हो, मगर सरकार में ऐसा नहीं होता। सरकार में जिस पद पे हो तो उसी पद पे रहते रहते आप प्रमोशन होगा, मगर आप सरकार में कभी ये नहीं सोचा कि कभी कोई पढ़ा लिखा अधिकारी नेता बना, नहीं सुना होगा आपने, IAS IPS बन गए नेता, नहीं सुना होगा, कभी नहीं सुना होगा। क्यों नहीं सुना होगा, क्योंकि वो लोग चाहते हैं, सरकार खुद चाहती है कि आप अनपढ़ गंवार रहो, ठीक है, अनपढ़ गंवार रहो, मतलब जरूरी नहीं अनपढ़ गंवार रहो, पढ़े लिखे नेता भी हैं, बहुत अच्छे एजुकेशन भी नेता अच्छे अच्छे हैं, मगर सबसे बड़ी बात है सरकारी चीज़ से दूर रहो। गवर्नमेंट आपकी लाइफ में कहीं नहीं होने चाहिए, ठीक है, आप या तो खुद के बॉस हो या खुद के पास बहुत सारा पैसा हो तभी आप सरकारी चुनाव में जाओ। और सबसे बड़ी बात है, अगर आप खून मर्डर कोई भी करो कोई दिक्कत नहीं है तो आप सरकारी चुनाव लड़ सकते हो, ठीक है, आप सीधे साधो सरकार आपको पता नहीं चलेगा कहाँ चले गए, ठीक है। तो आप समझ गए होगे अच्छे से, थोड़ा डिटेल में बता दी इसके लिए थोड़ा सा टाइम के लिए। अब चलते हैं इसमें प्रतिवेदन, और डिटेल में बताते हैं इसमें और चीज़ें हैं वो भी थोड़ा समझने के लिए ज़रूरी है। प्रतिवेदन मतलब इसको सबसे पहले किसने बनाया था, प्रतिवेदन कहते हैं जिसको, कब बताया था कि हम अपने देश में राज्यसभा लाने वाले हैं, या कब राज्यसभा का गठन हुआ था अपने देश में, इसमें वो था प्रतिवेदन। ये कब हुआ था, ये हुआ था और किसके द्वारा किया गया था, भारत सरकार अधिनियम, भारत सरकार अधिनियम 1919 कौन लाए थे, देखिए माइंटेग्यू जेम्स फोर्ट क्या लाए थे, इसको लाए थे भारत सरकार अधिनियम 1919 में, क्या राज्य सरकार का क्या किया गया है बताया गया है। और इसके साथ ही ये अस्तित्व में कब आया, ये आया था 1921 में अस्तित्व में आया, मतलब कि सरकार को क्या हुआ था, गठन हुआ था, राज्यसभा पहली बार कब आई थी अस्तित्व में, 1919 के अधिनियम में आई थी, जिसको जेम्स फोर्ड ने क्या थे, यहाँ के अपने यहाँ के क्या थे, वायसराय थे, ठीक है, तो उनको वायसराय मान लीजिए, मतलब एक बड़ी पदवी, पूरे देश को ये संभालते थे, वायसराय होंगे या लॉर्ड होंगे, ठीक है, लॉर्ड जेम्स फोर्ड, ठीक है, या माउंटेन जेम्स फोर्ड, ठीक है। 1919 में इसका जिक्र हुआ था, 1921 में क्या हुई थी, ये हमारे अस्तित्व में आई थी कि, और इसके बाद अस्तित्व में आई थी, मगर इसमें अंग्रेज शामिल थे, इंडियन कोई भी नहीं था,
इसके बाद समय बदला और 1946 आई। कितने गुजर गए? पूरे पूरे 25 साल गुजरने के बाद, मतलब 25 साल गुजरने के बाद यह अस्तित्व में आई, और 9 दिसंबर 1946 को क्या हुई? पहली बैठक हुई। जिसमें क्या होते, अपने भारतीय नेता भी क्या थे, शामिल थे। इसके बाद ही सरकार का गठन हुआ और भी बहुत सारी चीज़ों, मतलब पूरे देश की सेना को, पूरे देश को क्या कर दिया था, राज्यसभा को सौंप दिया था उनके नेताओं के नाम पर। और इसका चुनाव कब हुआ था? अभी फ़िलहाल में इसका चुनाव हुआ था, इसका हुआ था 18 जुलाई 2019 में क्या हुआ था, इसका अभी चुनाव हुआ था, ठीक है। और इसके बाद अब अगला चुनाव कब होगा, जिद सॉरी 5 जुलाई को होगा, ये 5 जुलाई 2021 को क्या हुआ था, इसका चुनाव हुआ था, मतलब कि हाल फिलहाल में इसका चुनाव हुआ, जिसके अंतर्गत सभापति उपसभापति कौन है, इसमें सभापति और उपसभा पति कौन है, सभापति कौन होता है, उपराष्ट्रपति, याद रखना ये चीज। सभापति कौन है, जगदीप धनखड़, कहाँ से, भाजपा से, ठीक है। कब बने थे, 2017 में बने थे, मतलब कि इनका कार्यकाल क्या होने वाला है, पूर्ण होने वाला है। उपसभापति कौन है, हरिवंश नारायण सिंह, ये किसके हैं, ये जनता दल के, कब बने थे, 2018 में, कितनी, 9 अगस्त 2018 में क्या बने थे, इसके सदस्य बने थे, ठीक है। उसमें निर्वाचित कितनी सीट हुई थी, 12 घटा देना 245 में से, 233 निर्वाचित सीटों में क्या हुई थी, ये लोग शामिल हुए थे। उपराष्ट्रपति को ही क्या कहते हैं, उपराष्ट्रपति को ही क्या कहते हैं, यहाँ का सभापति कहते हैं। और सभापति जो, और क्या बोलते हैं, जो सभा उपसभापति होता है वो सभापति का पद संभाल लेता, कभी सभापति मतलब जो भी उसमें वरिष्ठ व्यक्ति होता राज्यसभा में, जैसे कभी सभापति नहीं आए या सभी कहते कहीं विदेश यात्रा पर गए, जो भी वरिष्ठ सदस्य होगा किसमें, राज्यसभा में, वो क्या बन जाता है, उस कुछ टाइम के लिए क्या बन जाता है, सभापति बन जाता है, जब तक कि राष्ट्रपति या उपसभापति नहीं है, उसी को उपसभापति घोषित कर देते हैं, जो वरिष्ठ सदस्य होता है उसको उसी, जब तक वो काम करेगा उसको उसी हिसाब से वेतन और भत्ते क्या किए जाएंगे, मुहैया कराए जाएंगे, उसका वेतन लग के जुड़ के उसको मिलता है, ठीक है। आज के लिए इसमें इतना ही, और स्टूडेंट वीडियो को लाइक से, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा।